29 कंपनी का हाईएस्ट डिविडेंड बोनस बायबैक न्यूज कवर कर रहा हूं, किंतु छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। पहली कंपनी डिविडेंड न्यूज, 2 साल बाद सरकारी कंपनी ने दिया सबसे बड़ा डिविडेंड, मिलेंगे 21 रुपये। डिविडेंड न्यूज, अगर आपके पास भी इस सरकारी कंपनी का शेयर है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसने डिविडेंड का ऐलान कर दिया। जानिए कंपनी कौन सी है और आपको कितना रुपया डिविडेंड देगी। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने 29 नवंबर को अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड का बड़ा तोहफा दिया है। आगे जानिए आपको हर शेयर पर कितना फायदा होगा और इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है। 21 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने वाली BPCL यानी आपको हर शेयर पर 21 रुपया डिविडेंड देगा। कंपनी ने डिविडेंड को लेकर एक्सचेंज में जानकारी देते हुए बताया कि इसकी रिकॉर्ड डेट 12 दिसंबर 2023 है, तो शॉर्ट टर्म में एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी इस कंपनी में बनता हुआ नजर आएगा, जो कि 350 का टारगेट भी हिट करने का क्षमता रखता है। इससे पहले BPCL की ओर से 11 अगस्त को 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया गया था। यह 2 साल बाद यानी सितंबर 2021 के बाद कंपनी की ओर से बड़ा डिविडेंड देने जा रहा है। आज BPCL का शेयर बढ़त पर कारोबार कर रहा था। सुबह 11:30 बजे करीब BSE पर 1.97% की तेजी के साथ 432.65 और NSE पर 1.91% की तेजी के साथ 432.60 रुपये पर था। मालूम हो कि जब किसी कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर को भी मुनाफे का कुछ हिस्सा देता है, इसी हिस्से को डिविडेंड कहा जाता है। भेल की रक्षा मंत्रालय के साथ 3,000 करोड़ रुपये का डील, स्टॉक पर रखें नज़र। रक्षा मंत्रालय के साथ डील के अलावा कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर ऑपरेटर और फ्रांस की सरकार कंपनी EDF के साथ भी एक अहम करार किया है। हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी ने भेल ने आज रक्षा मंत्रालय के साथ इक्विपमेंट को लेकर एक बड़ी डील की है। ये डील करीब 3,000 करोड़ रुपये की है। इसके साथ ही कंपनी फ्रांस की सरकारी पावर कंपनी के साथ भी मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किया है। ये दोनों खबरें के बाद बाजार के बंद होने के बाद सामने आई है। मंगलवार के कारोबारी में भेल के स्टॉक में 2.6% का तेज बढ़त देखने को मिली है। मिली जानकारी के मुताबिक BHEL ने रक्षा मंत्रालय के साथ 2960 करोड़ रुपये की डील की है। वहीं कंपनी ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि उसने फ्रांस की सरकारी कंपनी EDF के साथ जयपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की संभावना को तलाशने के लिए मोमेंटम ऑफ के ऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं। EDF दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर ऑपरेटर है। जयपुर प्रोजेक्ट को CIL द्वारा बनाया जा रहा है। IREDA IPO हमने भी अप्लाई किया पर हमें मिला नहीं। IREDA IPO के लिस्ट होते ही बरसा पैसा, निवेशकों को हर शेयर पर मिला 56% का मुनाफा। अनिल सिंघवी ने दी ये सलाह। IREDA IPO लिस्टिंग शेयर बाजार में बुधवार 29 नवंबर को यह स्टॉक एंट्री हुई। सरकारी क्षेत्र की कंपनी IREDA का पब्लिक इशू जबरदस्त प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। शेयर BSE और NSE पर 56.25% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। दोनों एक्सचेंज पर शेयर 50 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। बता दें कि IPO 21 से 23 नवंबर को खुला था। कंपनी 2150 करोड़ रुपये जुटाने के लिए IPO लाई, जिसे निवेशकों ने हाथों हाथ लिया। अंतिम दिन IPO करीब 39 गुना भरकर बंद हुआ। IREDA IPO लिस्टिंग पर अनिल सिंघवी की राय। मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने IREDA IPO के दौरान भी निवेशकों को अच्छी लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेशकों को होल्ड की सलाह है। शेयर का पोर्टफोलियो में 2 से 3 साल के लिए रखें। शेयर अगर 40 रुपये के नीचे मिले तो फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। सरकारी मिनीरत्न कंपनी 1987 में स्थापित हुई। भारत सरकार के न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस वाली महत्वपूर्ण NBFC है। सिर्फ ग्रीन फाइनेंशियल वाली देश की सबसे बड़ी NBFC है। सेक्टर में 36 साल से ज़्यादा का अनुभव है। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए सरकारी पहल में IREDA की अहम भूमिका है। यह कंपनी न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट मीटर जैसे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग, प्रमोशन और डेवलपमेंट का काम करती है। अक्षर स्प्रिंटेक्स बायबैक की मीटिंग है 12 दिसंबर को। नेक्स्ट कंपनी का नाम है अक्षर स्प्रिंटेक्स। डिविडेंड की भी मीटिंग है 12 दिसंबर को। अगली कंपनी भी अक्षर स्प्रिंटेक्स है।
बोनस की भी मीटिंग करेगा 12 दिसंबर को। डिविडेंड बोनस और बायबैक तीनों की मीटिंग है 12 दिसंबर को। नेक्स्ट कंपनी BPCL डिविडेंड देगा 21 रुपया प्रति शेयर। गाइस जब इसका डिविडेंड की मीटिंग के न्यूज आया था स्टॉक 380 के लेवल से इसको कवर कर रहा हूँ। इसी तरह का फास्ट अपडेट्स हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि फास्ट अपडेट से स्टॉक सस्ता में इन्वेस्ट करने का मौका देता है। नेक्स्ट कंपनी रज्जू इंजीनियर्स टेंडर द्वारा बायबैक करेगा 210 रुपया प्रति शेयर। एक्सटेट आते ही चैनल पर अपडेट कर देंगे। टीडी शक्ति इंडस्ट्रीज स्प्लिट करेगा 1:5, एक शेयर 5 शेयर में कन्वर्ट होगा। एक्सटेट अपकमिंग साइमेंस डिविडेंड देगा 10 रुपया प्रति शेयर। डिविडेंड का एक्सटेट अभी नहीं आया। नेक्स्ट कंपनी TCS, यदि आपके पास ये शेयर है तो बायबैक के लिए टेंडर जरूर लगा दीजिए। टेंडर लगाने डेट है 1 से 7 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी IRFC टारगेट देगा 90 रुपया का, और किसने दिया था, प्रभुदास लीलाधर ने। नेक्स्ट कंपनी गोरिंगटन वेंचर स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग है 13 दिसंबर को। अगली कंपनी का नाम है IIRM होल्डिंग, शेयर प्राइस से 42 रुपया, स्प्लिट करेगा 1:5, एक शेयर 5 में कन्वर्ट होगा, किंतु शेयर प्राइस भी 5 से विभाजित हो जाएगा। RCF देगा 3.70 रुपया डिविडेंड। एक्सटेट 13 दिसंबर। फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज स्प्लिट 1:10, एक शेयर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा। एक्सटेट अभी नहीं आया। इंटेग्रा एसेंटिया बोनस देगा 1:1, एक शेयर के होल्डिंग पर एक मुफ्त शेयर मिलेगा। एक्सटेट अपकमिंग। ध्यानी टाइल मार्बल बोनस देगा 9:5, एक्सटेट 7 दिसंबर है। अगली कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर बोनस देगा 1:1, एक पे एक फ्री शेयर मिलेगा। एक्सटेट 12 जनवरी है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है KLRF, शेयर प्राइस 182 रुपया, डिविडेंड देगा सिर्फ 2 रुपया। एक्सटेट 22 दिसंबर। नेक्स्ट कंपनी का नाम है अल्फा लॉजिक ऑफशोर, शेयर प्राइस 780 रुपया, स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग है 7 दिसंबर को। अगली कंपनी का नाम है अल्फा लॉजिक इंडस्ट्रीज बोनस देगा 1:1, एक शेयर के होल्डिंग पर एक फ्री शेयर मिलेगा। एक्सटेट 1 दिसंबर। पूजा एंटरटेनमेंट बोनस देगा 6:1, एक्सटेट 9 दिसंबर। जब से बोनस आया 240 के लेवल पर हर एक वीडियो में कवर कर रहा हूँ, और स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न दिया बना के। श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक, शेयर प्राइस 73, ओनली बोनस की मीटिंग है 21 दिसंबर को। SBC एक्सपर्ट, शेयर प्राइस है 29 रुपया, बोनस की मीटिंग है 5 दिसंबर को। और गाइस इसका स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी दिया था 33 का, 3 टारगेट दिया था 31, 32, 33, तीनों टारगेट हिट हो गया मात्र 2-3 दिन में ही। नेक्स्ट कंपनी इन्फोसिस, इसलिए बेस्ट फ्री स्विंग ट्रेडिंग कॉल है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट कंपनी इन्फोसिस, शेयर प्राइस है 1400 रुपया का टारगेट दिया, 1660 रुपया मोतीलाल ओसवाल ने। नेक्स्ट कंपनी IOC, शेयर प्राइस 98 रुपया, टारगेट 115 मोतीलाल।